श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत ही सुंदर सा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। दोस्तों मात्र एक लौंग का ये उपाय बहुत ही सुंदर सा उपाय है, जिसे करने से व्यक्ति के जीवन से कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति धनवान बनने की राह पर चलने लगता है। इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा से मिले दो ऐसे लौंग के अचूक उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अगर एक बार भी आजमा लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से धन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, ये उपाय बटकेश्वर महादेव का उपाय है। बटकेश्वर महादेव के इस उपाय से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। आपको करना यह कि आपको एक तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है। साथ में आपको दो फूलदार लौंग लेनी है, जो कि कहीं से भी खंडित ना हो। अब आपको जो तांबे का पात्र है उसमें दोनों लौंग को डाल देना है और फिर इस जल को आपको अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में लेकर चले जाना है, ठीक है। वहाँ जाकर दोस्तों आपको शिवलिंग के ऊपर इस जल को अर्पित करना है। आप जब जल को अर्पित कर रहे हो तब आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। फिर उसके बाद में आपको बटकेश्वर महादेव से कामना करनी है कि आपका जो कर्जा है वो कर्जा जल्दी से चुक जाए, ऐसी कृपा हो, ठीक है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। अब देखिए, दूसरा जो उपाय है इसके लिए भी आपको एक लौंग लेनी है। साथ में आपको एक देसी का दिया लेना है, जिसके लिए आपको मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करना है और उसमें आपको गोल वाली बाती रखनी है, ठीक है। अब देखिए, दोनों चीज़ों को आपको अपने घर के पास किसी भी वट के वृक्ष के नीचे ले जाना है। आप इस उपाय को सोमवार के रात्रि के समय करें, ठीक है। वहाँ ले जाकर दोस्तों आपको वट के वृक्ष के नीचे देसी का दिया आपको प्रज्वलित कर देना है और दिए को पेड़ की जड़ में रख देना है और फिर जो एक लौंग है उस लौंग को आप बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको लौंग को जलते हुए दीपक में डाल देना है और दो मिनट के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। उसके बाद दोस्तों अपने घर आते समय आपको वट के वृक्ष को छूकर अपनी जो भी कामना है उस कामना को आपको कह देना है। चाहे दोस्तों आपके धन से जुड़ी कामना हो या फिर आपके कर्जे से मुक्ति की कामना हो, जैसी भी कामना होगी उस कामना को बटकेश्वर महादेव जल्दी से पूरा कर देते हैं और आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से पूरी हो।